भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार, मेक इंडिया टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अशोक गोयल आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देशवासियों, आप सभी अभी सुन रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार रेगुलेट करने के लिए तैयारी कर चुकी है। क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसकी बात आज आपके साथ करना चाहता हूं। भारत में बहुत बड़े निवेशक हैं इस पर। बिटकॉइन को लेकर आप हमेशा सुनते होंगे, उसके विज्ञापन भी देखते होंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। देशवासियों, आज की जो स्थिति है और भारत सरकार ने जो संसद सत्र में एक बिल लाने वाली है और इस पर बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, और उससे पहले जो अभी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णय ले लिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी पर अब निर्णय लिया जाना चाहिए और ये संसद के शीतकालीन सत्र में आने वाला है। देशवासियों, जो स्थिति है क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे देश में 18 से लेके लगभग 35 साल के युवाओं का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुके हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों में भारतीय हैं। भारतीय इन्वेस्टमेंट, भारतीय पैसे की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी को सोच कर केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एक अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने का विचार बना रही है और उसको एक रेगुलेशन के रूप में उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जिसकी एक कम से कम एक गारंटी भारत सरकार रिजर्व बैंक की होगी। लेकिन देशवासियों, आप जहां अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। बिटकॉइन को लेकर जिस तरह के है, लेकिन बिटकॉइन का आखिरी अधिकार क्षेत्र किसका है ये किसी को पता नहीं है। आपका पैसा कब डूब जाएगा ये ना तो आपको पता है, लेकिन आप सिर्फ बड़े मुनाफे के लिए जल्दी लखपति बनने के चक्कर में जो हमारा युवा आज उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जब से भारत सरकार ने इस पर बात प्रारंभ की है, आप खुद देख पा रहे होंगे कि उसमें जो गिरावट आई है निश्चित तौर पर सोचने का विषय है और आज हमारे युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा सोचने का विषय है। देशवासियों, हमें भी चिंता होती है जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है और हमारे युवाओं की बात होती है। इसीलिए हमने आज इस क्रिप्टो करेंसी पर ये विश्लेषण तैयार किया और हम आपको पुख्ता जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि भारत सरकार अब इस पर कार्रवाई करने वाली है। इसलिए हम आप सभी जो भी इन्वेस्ट उसमें कर चुके हैं, अपने पैसे को सुरक्षित कीजिए। और इसमें काफ़ी सर्वे भी सामने आए हैं, उस सर्वे में जिस तरह से सामने आए हैं, लेकिन बहुत छोटे सर्वे थे, उस सर्वे को इतनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। देशवासियों, आप सभी को पता है कि भारत वर्तमान में बहुत तेज गति से विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। भारत की आज पहुंच विश्व के हर कोने पर है। निवेशक, कौन सा निवेशक कहां करना चाहिए, बहुत पूर्ण जानकारी के साथ ही करना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर
बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस वक्त। और जब तक भारत सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं ले, तब तक कम से कम आप सभी निवेशकों को, हमारे युवा साथियों को हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर विचार करें और अपने पैसे को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। 29 नवंबर से शीतकालीन अधिवेशन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें बहुत से विधेयक उसमें होने वाले हैं। और आप सभी को पता है, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिलों को लेकर वापस लेने का निर्णय किया, वह भी इस शीतकालीन सत्र में वापस लिया जाएगा। वह भी अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें उसका भी निर्णय किया गया है। एक बार पुनः सभी आप सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सावधानी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि भारत सरकार यदि कोई चिंता कर रही है तो उस चिंता का कुछ कारण है। इसीलिए भारत सरकार बहुत सोच विचार कर देश हित में हमारे युवाओं का पैसा, भारत का पैसा कहाँ लगे, इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्द RBI क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है, जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें आप निवेश करिएगा। एक सुरक्षित निवेश रहेगा, क्योंकि एक भारत सरकार है उसमें, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखते रहिए मेक इन इंडिया TV, हर खबर